रघुवंश में आरक्षित। उठो बेटा, सुबह हो गई। हाँ हाँ, सुबह सुबह उठना भी बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं सुबह क्यों होती है। अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? लगता है आप लोग ठीक नहीं। दरअसल तुम इतनी बड़ी पनौती हो कि हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा बैड लक हमें लग जाए, इसीलिए हमने ये लकी कपड़े पहने हुए हैं। मुझे खाने के लिए और चाहिए। लाती हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप जानते हैं हमारी धरती पर एक हीरो है जो हमेशा सिर्फ अपने लक के कारण जीता है, लेकिन एक बार फिर धरती की हिस्ट्री में एक नया हीरो हमारे सामने आ गया है, और वो हीरो है ये लड़का आपके सामने। इसे बोलो ये छोटा है, दीवार नहीं तोड़ पाएगा। ये दीवार नहीं, कोई और चीज लगती है। ये तो उसके कान है, वैसे ये बहुत बड़ा है पापा। आप थक गए क्या? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, क्योंकि पृथ्वी पर पहुंचने के लिए मैं 10 लाख प्रकाश वर्ष से भागता हुआ आ रहा हूं, और मैंने कुछ नहीं खाया। अरे ये हीरो तो बहुत कमजोर लगता है। ये हीरो नहीं, जीरो है। अपने सैंडल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया। इन सैंडल्स को एफर्ट स्लीपर्स कहते हैं, और इसे सिर्फ वही पहनता है जो पूरे दिन मेहनत करे। मेरे बाजू पर जो स्टिकर है ये भी मुझे बहुत ही मेहनत से मिला है। ये खास सॉक्स भी मुझे बहुत मेहनत से मिले हैं। मेरे माथे पर जो नगीना है मेरे हीरो होने का प्रतीक है। मेरी आंखों में जलती है आग मेरी हिम्मत का सबूत है। मेरे सैंडल्स, मेरे बाजू पर स्टिकर, मेरे सॉक्स, माथे पर नगीना और आंखों में जलती आग बताती है कि मैं हूँ एक सुपर हीरो, और मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है। उस स्टार में सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्स हीरोज, और उनके सर्टिफिकेट के बिना हम हीरो का काम नहीं कर सकते। लेकिन वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक इंसान को बिना किसी मेहनत के मिला है, और वो है लकी मैन, सिर्फ लकी मैन। वो तो लकी मैन की किस्मत अच्छी थी कि उसे वो सर्टिफिकेट ऐसे ही मिल गया, वरना वो किस काम का सुपर हीरो। साधु साधु, मुझे महानायक का प्रमाण पत्र मिल गया, मुझे महानायक का प्रमाण पत्र मिल गया, ये देखो। मेरे पास ये तो नहीं, सिर्फ लकी टॉफी है। लकी मैन का लक हमेशा उसका साथ देता है, इसीलिए मुझे उससे नफरत है। ये लीजिए, इसे नाक मत साफ करो, और जरा हमारे दर्शकों को बताइए आपने हीरो बनने के लिए कितना एफर्ट किया है। एक सुपर हीरो बनने के लिए मुझे पूरे 200 साल लगे। मैं बारिश में भागता रहा, तूफान में भागता रहा, चाहे मौसम कैसा भी हो मैं भागता ही रहा। मैंने कभी भी हार नहीं मानी, और मैं हमेशा हीरो बनने का सपना देखता रहा। और फिर एक दिन, आज तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा हुआ, तुम अब एक सुपर हीरो हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। ये इतना कठिन प्रशिक्षण है कि बीच में ही लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हारे 200 सालों की मेहनत से खुश होकर मैं तुम्हें देता हूँ ये नाम। अरे ये तो टोरियो को मन लिखा है। मुझे लगता है यही नाम तुम्हारे लिए उचित है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही नाम मेरे लिए सबसे अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। अच्छा तो मुझे ये बताओ, तुम किस ग्रह पे काम करना चाहते हो? मैं तो पृथ्वी पर काम करना चाहता हूँ, जहाँ हमारे पिछले सुपर हीरो का घर भी है। लेकिन उस ग्रह पर तो पहले से ही लकी मैन है। आप मेरी तुलना लकी मैन से मत कीजिए, वो सिर्फ अपने लक से हीरो बना है, मेरी तरह कड़ी मेहनत से नहीं। तो ठीक है टोरियो कुमन, अगर तुम्हें पृथ्वी पर राज करना है तो तुम्हें पहले लकी मैन को हराना होगा, और तब तुम वहाँ के सुपर हीरो बन जाओगे। तो आ जाओ लकी मैन, आज फैसला हो ही जाए कि पृथ्वी का असली सुपर हीरो कौन है। पता नहीं इसको हारने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। तो लकी मैन, क्या आप तैयार हैं इसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए? तो कब आ रहे हैं आप? ओए चैलेंज से डरने की कोई बात नहीं है। हाँ तुम असली हीरो हो तो सामने आ जाओ। बोले पश्चिम लकी मैन, उत्तर दक्षिण लकी मैन। इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। ये तीनों हर जगह पहुँच जाते हैं, लगता है इन्हें कोई काम नहीं, लेकिन मुझे है।
अरे सुनो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, जल्दी से सामने आओ। वत्स, अचानक ऐसा क्या काम आया जो तुमने मुझे नींद से जगाया? एक आदमी पृथ्वी पर आकर लकी मैन से लड़ना चाहता है, इसमें मैं क्या करूं? बोलो। डरना बंद करो। क्या? स्वयं पर भरोसा करो, चुनौती को स्वीकार करो और आगे बढ़कर युद्ध करो। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे उच्च लड़ना पड़ेगा? सुपर हीरो बनना भी बहुत मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। चलो जब इतना कहते हो तो लड़ ही लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए, ठीक है? छुओ ना, कितना अजीब है ना। मैंने अभी अभी देखा कि वो आसमान की तरफ देखकर किसी से बातें कर रहा था। तो तुम सोच जानना चाहती हो? जल्दी बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किसी के बारे में सोचता रहता है और तभी वो आसमान। मैं आ रहा हूँ भैया। अरे ये कौन है? अरे लोकी मैन। देसु यू तुम? क्या तुम्हें पता है कि मेरा फ्रेंड कहाँ है? मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा तुम बोल लो। अच्छा तो तुम चले जाओ, मैं अपने फ्रेंड को खुद ही ढूंढ लूंगी। तुम कहाँ छुपे हो मेरे दोस्त? लकी मैन तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ सब लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमारे हीरो को करंट लग रहा है। मुझसे अब इंतजार नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि लकी मैन मुझसे डर गया और पृथ्वी छोड़कर भाग गया? देखो लकी मैन आ गया। कभी कभी शॉर्टकट बहुत महंगा पड़ता है, मेरी कमर में दर्द हो गया। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। मुझे तारीफ अच्छी लगती है। नहीं हूँ मैं पनौती, देता हूँ सबको चुनौती, खाकर लकी टॉफी बन गया लकी मैन। टैन टैन लकी कुकी और कागज के टुकड़े, लकी मैन आ गया है। उत्तर दक्षिण लकी मैन, पूरा पश्चिम लकी मैन। तुम लकी मैन को हराना चाहते हो? ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अरे तो फिर नीचे आओ ना, वहाँ ऊपर आराम से बैठकर मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? ऐसी बात है तो मैं आया। क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारी ड्रेस बहुत ही अजीब सी है। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और ये ड्रेस एक सुपर हीरो की ड्रेस है। तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लकी मैन। इस लड़ाई के बाद तुम हमेशा के लिए हंसना भूल जाओगे। तुम सच में लड़ना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हें हंसाने के लिए आया हूँ? अब पता नहीं क्या होगा। अब क्या करूँ, थोड़ा हंसी मजाक कर लें क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये लो लकी बीम। ओह, लकी मैन की बीम हमेशा गलत जगह पर जाती है लेकिन आखिर में सही जगह पर लग जाती है, पर आज ना जाने क्यों ये सीधी डोरियो को मान की तरफ जा रही है। बीम से बचने के लिए तो मुझे ईंटों की दीवार का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रशिक्षण के दौरान हमें यही सिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ डोरियो को मान जल्दी से ईंटों की दीवार बना रहा है। मुझे लगता है ये ईंटों की दीवार लकी मैन की लकी बीम को रोकने में कामयाब रहेगी। मैं चल गया, चल गया, चल गया। ये दीवार भी लकी मैन की लकी बीम को रोकने में नाकामयाब रही। आइए लकी मैन से ही पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लकी मैन, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे किया आपने। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी लकी बीम उसे लग गई, लेकिन लकी तो लकी होता है। नहीं है, तुम लकी नहीं थे। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं बीम से बचने का तरीका भूल गया। मुझे लगता है मेरे प्रशिक्षण में कुछ कमी रह गई, तभी ऐसा हो गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो देखा आप सबने, एक बार फिर से लकी मैन के लक ने उसका साथ दिया। कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि लकी मैन जीत गया एक बार?果たしてラッキーマンと努力マンどちらが強いでしょうか。チャンネルはそのままで報道。おい、帰るなよ。
इन लोगों को अपना असली कमाल दिखाना ही पड़ेगा। पिछली बार तुम लकी रहे, लेकिन इस बार तुम्हें मजा मैं चखाऊंगा। आखिर तुमने अपने नाखून क्यों नहीं कटवाए? रास्ते में मेरा नेल कटर खो गया। मुझे भटकाने की कोशिश मत करो। ये देखो, अरे ये तो मैं ही जल गया। ये तो सच में बहुत खतरनाक है। कोई तो मुझे निकालो। मुझे यकीन नहीं होता, मैं तो अपने जाल में खुद ही फंस गया। अरे ये तो काम कर रहा है। अब बचो इससे। चलो 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 चलो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। अब चलो मेरी टोरियो कमन बीम, लकी मैन की अदृश्य दीवार। अरे मेरा निशाना कैसे चूक गया? तो एक बार फिर से लकी मैन जीत गया है अपनी अदृश्य दीवार से। डोरियोकोमान, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। अब हम सिर्फ पंच फाइट करेंगे। ये अभी हार नहीं मान रहा। बिल्कुल सही समझे तुम। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे मजबूत हाथों का अंदाजा नहीं। शायद तुम नहीं जानते, पिछले 200 सालों से मैं इस वार को लगातार करता आ रहा हूँ। मैंने इन हाथों से कई पत्थर तोड़े हैं, 1, 2, 3, 4, और अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। ये है डोरियोकोमान पंच। तुम मजाक बहुत करते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पंच वाकई में इतना खतरनाक है। अब देखो मैं क्या करूँगा। क्या करोगे? मैं करूँगा ये। अपने लक के कारण मैं जीत जाऊंगा। तुम हमेशा अपने लक से जीतते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तैयार हो जाओ खाने के लिए डोरियोकोमान पंच। तो ठीक है, ये रहा मेरा लकी पंच। अरे पहले अपने लकी पंच की रफ्तार तो बढ़ाओ। देखते रहिए, आपके सामने इस समय 2 पंच अटैक चल रहा है। रुक जाओ वत्स, डोरियो युद्ध के लिए मैदान में आ चुका है, परंतु वो नहीं जानता कि रोज की मेहनत से उसका हाथ बेकार हो चुका है। अर्थात युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही वो उसे हार चुका है। अरे तुम्हारे नाजुक से हाथों ने मेरे फौलादी हाथों को कैसे तोड़ दिया? ये कौन सा खास पंच था? ये उतना भी खास नहीं था। ठीक है, इस बार हम किक फाइट करेंगे। एक मिनट, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? पूछो। तुम्हारे पैरों में दम तो है ना? तुम जानना चाहते हो? हाँ हाँ, बताओ बताओ। ये एक सीक्रेट है। ये देखो मेरी सुपर किक। हाय्या! आगे देखते हैं कि लकी मैन इस सुपर किक से आखिरकार कैसे बचता है। तो तुमने देखी मेरी सीक्रेट किक, और अब तुम्हारी बारी है लकी मैन। एक मिनट रुको, लगता है हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, है ना? मुझे बातें करना पसंद नहीं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक आईडिया आया है मुझे। लकी मैन का केक घुमा के। बेवकूफ, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन मैंने इसकी क्लिप बहुत मेहनत की है। ये जरा किक खा के बताओ। एक बार फिर से लकी मैन ने दिखा दिया है कि वो कितना बड़ा चैंपियन है। लकी मैन, ये अटैक तो वाकई कमाल का था। लकी मैन, आप तो वाकई लकी हैं। किस बात का लकी? मुझे तो लगा था मैं गया। ये कैसे हुआ? सिर्फ लक से ये मेरी किक से नहीं बच सकता। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। अब मैं जो हमला करूंगा तुम उससे नहीं बच पाओगे। तुम आखिर कितने तरह के हमले कर सकते हो? अब जो मैं हमला करने जा रहा हूँ कोई मामूली हमला नहीं है। इस बार तो तुम्हें हार नहीं होगा लकी मैन। ये मेरी टॉप सीक्रेट टेक्निक है। इसके बारे में मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? कई सालों तक मैं सीढ़ियों में गोल गोल घूमता रहा। कई सालों तक मैं वॉशिंग मशीन में भी गोल गोल घूमता रहा। कई सालों तक ट्रक के पहिए से चिपक कर गोल गोल घूमता रहा। कई सालों तक मैं टीवी पर जूडो कराटे का प्रोग्राम देखता रहा। फिर मैं उस टीवी को लेकर भी गोल गोल घूमता रहा। तुम चाहो तो इस टेक्निक को कह सकते हो गोल गोल घूमने वाली टेक्निक।
और आज इसी टेक्निक से मैं हराने वाला हूँ लकी मैन को। तो लकी मैन तैयार हो जाओ गोल गोल घूमने के लिए। इस टेक्निक से आज तक मुझसे कोई नहीं जीत पाया, तो तैयार हो जाओ गोल गोल घूमने के लिए। रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, मैं भाग रहा हूँ। अरे तुम हीरो हो, तुम भाग नहीं सकते। रुक जाओ लकी मैन। ये लड़ाई तो एक नया मोड़ ले चुकी है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अरे मैं एक पैर पे खड़ा हूँ, मैं गिर जाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है और बहुत तेजी से घूम रहे हैं। लगता है लकी मैन नहीं बचेगा। ओए पाजी, ये हो क्या रहा है? ये दौरियों मैन तो अकेले चक्कर खा रहे जे। अरे फिर लकी मैन कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लकी मैन तो कहीं गायब हो गया है। डोरियोको मैन ने लकी मैन को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा था, जो कि पहले युद्ध के बाद टूट चुका था, इसीलिए उसके हाथ में संवेदना खत्म हो चुकी थी। लग रहा था कि वो पकड़े हुए है, परंतु वो लकी मैन को अच्छी तरह नहीं पकड़ पाया था। हेल व्हील की कहानी सुनते ही लकी मैन को बुरी तरह पसीना आने लगा, तो उसके गीले शरीर के कारण वो डोरियोको मैन के बाएं हाथ से फिसल गया। परंतु लकी मैन एक बार घूमा जरूर था और उसका सिर भी जमीन से लगा था। उसके बाद अचानक वो एक खुले हुए गटर में गिर गया। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? इस तरह भाग्य से वो बच गया। मेरे काम करने का तरीका यही है। ओ, ये तो लकी मैन है। लकी मैन अपनी टॉप सीक्रेट टेक्निक से बच गया। इसका मतलब डोरियोको मॉन है। डोरियोको मॉन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कोई मुझे बचाओ, बचाओ। ओ, वो अब भी अकेला घूम रहा है। और इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, आप सब देख ही चुके हैं कि क्या हुआ है। इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। कोई आज भी जीत हमारी हुई है पाजी, आओ इसी खुशी में गाते हैं। ठीक है। मैं हार गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लकी मैन मुझसे फिर से बच गया। वो तो सचमुच लकी है। लकी मैन आप जीत गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं बहुत डर गया हूँ, ये मुझे इस बार नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? लकी मैन, मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मुझे छोड़ दो, मुझे और भी बहुत काम है, मुझे जाने दो। जब ये मेरी किक से बच गया, उसी समय मुझे शक हुआ था। ये तो वाकई में बहुत लकी है, ये मुझसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करता होगा। और ये बिल्कुल ऐसा है, जब बतख तालाब में तैरती है तो ऊपर से वो बहुत शांत होती है, लेकिन असल में पानी के नीचे उसके पैर बहुत तेज चल रहे होते हैं। तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो लकी मैन। मैंने इतनी बार कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत है। देखो, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। मुझे देखो, मैं बिना कोशिश के जीत जाता हूँ। अगर तुम भी लकी मैन होते तो तुम्हारा काम बन जाता। उसका मजाक मत उड़ाओ, ये ठीक बात नहीं। और तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है, अपने से कमजोर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए लकी मैन। रुको, हम आए हैं। तो भगदड़ मच चुकी है, सारे लोग लकी मैन के पीछे जा रहे हैं। मैं भी भागता हूँ, चलिए। अरे छोड़ दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये तो वाकई में बहुत लकी है, ये मुझसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करता होगा। नाराज होने के बावजूद भी लोग तो इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसे तो मेरा मास्टर होना चाहिए। अरे माफ़ कर दो। लकी मैन मास्टर, मेरी बात तो सुनो। मैं लकी मैन होने के बावजूद मैं पुनः本気? ドリョークマン、 お前本当に僕の弟子になっちゃったの? まあ強そうだし、 ボディーガードにはちょうどいいか。 誰だよ、 学校にリングなんて作ったの。何、宇宙一強い男、 千顔マンが地球一強いやつと勝負したいって?